नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में CET जो आगे एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी और डी वाला, और ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा जो आपके कोई भी HSC का एग्ज़ाम है उसमें जहाँ काम आएंगे। इसके अलावा आपका जो PGT की जो एग्ज़ाम होने वाला है HPSC के द्वारा, उसमें भी हरियाणा GK से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो यहाँ पर प्रैक्टिसर जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ये आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे। तो सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क? तो थानेश्वर, जिसे प्राचीन समय में स्थानेश्वर कह देते थे, स्थानेश्वर, तो जिसे अब थानेश्वर कहा जाता है, ये जो कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे, और इनमें से जो राजा थे जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है ये 590 से 647 में उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। उसने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर शासन किया था। और हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग ये भारत यात्रा पर आए थे, और उन्होंने भारत जो है भारत के बारे में वर्णन किया है, CUC इनकी पुस्तक है। और जो महर्षि जो बाणभट्टाई इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित जो काव्य है लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख जो नदी है इनमें कौन सी है? गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है या फिर यमुना है? तो भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये जो गंगा जो है गंगा को माना गया है, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भी तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर एक आदमी कुछ वस्तुएं रुपये पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और रुपये पी बटे 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका जो यहाँ पर लाभ प्रतिशत इसमें कितना है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये 50% इसमें माना गया है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और उसके बाद फिर लाभ वाला जो फार्मूला है वो आपने इसमें लगाना है। लाभ वाला फार्मूला क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। नेक्स्ट है यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनले है यहाँ पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 110, 83, 90 या 45वां? तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट है 2022 की, इनके अनुसार जो यहाँ पर स्थान है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये 83वें नंबर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 111 देशों की जो सूची थी, 111 देशों की जो सूची थी, इसमें जो भारत का स्थान है ये 83वें नंबर का है। और इस सूची में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, और जो अफगानिस्तान वो सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य की जो औसत जो वार्षिक वर्षा है कितनी है? 60 से 80, 5 से 20, 80 से 100 या 40 से 60? तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की औसत जो है वार्षिक वर्षा, और ये है जो ऑप्शन डी में आई है, 40 से 60 सेंटीमीटर की। हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु का जो समय है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो औसत वर्षा है ये 30 से 110 सेंटीमीटर की जो होती है। और समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जो जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क
महाद्वीपीय जलवायु है और हरियाणा में सबसे अधिक जो वर्षा है उत्तर पूर्वी भाग में, सबसे कम जो है दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। ये जो पंचकूला, अम्बाला, ये चंडीगढ़, नारायणगढ़, ये वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है और दक्षिण का जो एरिया है इसमें कम। नेक्स्ट आ जाता है किसी कूट भाषा में, ये जो यहाँ पर शब्द दिया गया है टाइगर, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो हॉर्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर इसका करने का तरीका क्या है। जैसे आपने ये है TIGER, इसी के नीचे ये लिख लेना है SHFDQ। तो उसके बाद देखना है यहाँ पर इनकी जो सीरीज है ये किस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पर देखें तो S और T ऐसे है, HI और उसके बाद FG, DE, MNOP, Q और R, तो इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पर भी आप फिर इसी प्रकार से देखें, तो यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में आया है, GH, MNO, QR, RS, DE। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को स्थायी रूप से होल्ड करता है, CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल। तो कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को स्थायी रूप से होल्ड करता है, और ये क्या होता है, तो इसको कहा जाता है मेमोरी। तो ऑप्शन रहेगा बी। कंप्यूटर के मेमोरी जो है किसी कंप्यूटर के उन अवयव, साधनों या रिकॉर्ड करने वाले माध्यम को कहा जाता है जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोटला झील से, ये कहाँ पर है, मेवात, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में। तो कहाँ पर है और इसमें जो हमारा सही आंसर ऑप्शन आएगा ए वाला, तो कहाँ पर है, ये मेवात में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनकी स्थापना की थी आर्य समाज की, कब की थी, 1875 में, कहाँ पर की थी, बम्बई, नागपुर, लाहौर या अहमदनगर में। और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये की गई थी बम्बई में और 1877 में जो इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था, और इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था जिससे ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया था। और बचपन का नाम क्या था इनके, स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो इनका बचपन जो है इनका नाम था मूल शंकर, ये इनके बचपन का नाम था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन है, कुलदीप नायर, फालियस नरीमन, मार्क टुली या विनोद मेहता। तो ये पुस्तक है और पुस्तक वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, फालियस नरीमन, इनके द्वारा जो ये लिखी गई है। और कौन है, ये भारत के प्रसिद्ध कानूनविद वकील और इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है चाय पर लाल कीट, रेड रस्ट नामक, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो रोग है ये चाय जो होती है उस पर रेड रस्ट रोग, बैक्टीरिया, हरी शैवाल, कवक या विषाणु, किसके कारण होता है, और ये होता है हरी शैवाल के कारण। शैवाल पर, चाय पर जो शैवाल की स्फ्लोरस नामक प्रजाति पाई जाती है, जो शैवाल चाय पर परजीवी होता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो कौन सी साइड में है, ये ऑप्शन रहेगा ये वाला, उत्तर पश्चिम।
नेक्स्ट है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कितनी है ये 44 है। तो यहाँ पर क्या है, 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 20 है। अब 11 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी, तो जो औसत आयु है और गुणा में जो कुल खिलाड़ी हैं ये हो जाएंगे, तो कितने हैं 20 गुणा में 11, तो कितने हो जाएंगे 220 हो जाएंगे। उसके बाद फिर मानव शिक्षक की आयु कितनी होगी, मानव शिक्षक की आयु हो जाएगी x, फिर नई जो औसत आयु कितनी होगी, तो ये होगी 20 गुणा 110 बटे 100, तो जब हम इसे जो हल करेंगे तो 44 वर्षीय आएगा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था, मालरा, नारनौल, पाथेरा या कोई सा भी नहीं। तो 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था, और ये था जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये था नारनौल। औरंगजेब जो है इनकी मृत्यु के बाद नारनौल पर जयपुर के राजपूतों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वे जो है अधिक दिन तक नहीं रह सके थे, और फिर फ्रांसीसी जनरल डे बोएगेन ने राजपूतों को हराकर नारनौल पर कब्जा किया था। तो ये नारनौल है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ समीकरण हैं विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, हल ना किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। तो मतलब ये वाला बताना है आपने किस तरीके से है। तो इसमें जो है ऑप्शन माना गया है बी वाला, 8, 6 और 7। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्रम कौन सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो चिन्ह तो एक गुणा का दे दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ क्या है उलझाने के लिए है, क्रम कैसे है, जैसे 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या, जो यहाँ पर दाई साइड का है ये सबसे पहले और ये सेम वैसे के वैसे है, ऐसे यहाँ पर ये दाई साइड का और ये सेम वैसे के वैसे है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर है 9 और ये दोनों सेम है। तो रीजनिंग जो होती है किसी भी तरीके से उसको दी जा सकती है, क्योंकि रीजनिंग उसके कोई सिर पैर तो होते नहीं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा या फिर भिवानी। तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो ये भिवानी है। और जो भिवानी है, भिवानी जो है इसमें जो मंदिर है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ही इसे छोटी काशी कहा गया है। और जो कैथल है, कैथल को भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर 6 नवग्रह कुंड हैं, तो 6 नवग्रह कुंड के होने के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। एग्जाम में देख लेना, या तो वहाँ पर भिवानी होगा या फिर कैथल होगा, एक ही होगा दोनों में से। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, आंवला, अमरूद, अंगूर, सेब। तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, आंवला में। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, यूनिट, एरे, पिक्सल या रेजोल्यूशन। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है ये पिक्सल होती है। नेक्स्ट है धातु के बने 3 ठोस है जिनकी आकृति घनाकार में है, जिनके कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 5 और 8 सेंटीमीटर, यदि उन्हें पिघलाकर कोई ठोस बना दिया जाए तो नवनिर्मित ठोस जो उसका आयतन कितना होगा। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये होगा 664 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये 664 जो आया है कैसे आया है, तो यहाँ पर क्या है इनका घन जो हो जाएगा, जैसे 3 है, 3 का घन हो गया, 5 का हो गया और ये 8 है इनका हो गया, तो 3 का क्या होगा 27 होगा, 5 का क्या होगा 125 हो जाएगा, और ऐसे ही 8 का क्या होगा 512 हो जाएगा, तो इनको
और उसके बाद घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा के तीन, जो ये फार्मूला है भुजा के तीन। तो यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो है 664 इनका ये आ जाएगा, 664 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को, 180 जो डिग्री अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को, ये 180 डिग्री अंश देशांतर से पश्चिम से पूर्व को, तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी वाला, तो यह है 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। तो जो 180 डिग्री जो देशांतर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, और क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है और इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसका तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे ये सीमा है और इसे इस साइड में जाएगा तो एक दिन जुड़ जाएगा, इससे एक दिन जाएगा तो एक दिन कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मोटर वाहन जो होते हैं, जो साधन है, कार, बस, मोटरसाइकिल, तो इनसे जो धुआं निकलता है, इनसे कौन सी गैस निकलती है? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, ये हमारा जो खून है हीमोग्लोबिन, इसके साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बनाती है, जिससे जो हमारा खून है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने देता, इस कारण से जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान ये कहाँ पर है? दिल्ली, जज्जर, चंडीगढ़ या चेन्नई। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, तो कहाँ पर है ये? जज्जर में है। फरवरी 2019 में हरियाणा के जज्जर में भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है स्थापित किया गया था। इस संस्थान के जो निदेशक थे जी के रथ, और यहाँ पर प्रोटीन थेरेपी की व्यवस्था की गई है, और यह संस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री जो थे उस समय ओपी धनखड़, इनके गृह नगर बादली में बनाया गया है, और एम्स जैन के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर माह में हुई थी? सोनीपत, यमुनानगर, जींद या करनाल। और ये थी ऑप्शन डी, करनाल में। नेक्स्ट आ जाता है, डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक एप्लीकेशन या फिजिकल लेयर। तो डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? और इसके लिए है जो ऑप्शन ए में आई है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये जो प्रेजेंटेशन जो लेयर है, जिसे OSI कह देते हैं, ओपन सिस्टम इंटरेक्शन, तो इसकी क्या है, छठी लेयर होती है, और ये लेयर जो डेटा है इसको कंप्यूटर के वांछित कोड में अनुवाद करती है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर जो इसको माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल जो प्रोजेक्ट है स्थित है? हिसार, फरीदाबाद, सिरसा या फतेहाबाद। और कहाँ पर है, तो जो रहेगा ऑप्शन ए वाला। अब ये हिसार में जो थर्मल पावर है, इसका नाम भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो ये राजीव गांधी थर्मल प्रोजेक्ट है। और कौन से स्थान पर है, तो ये खेदड़ में है, खेदड़ में। इसकी जो स्थापना है जो है, ये मार्च 2010 में हुई थी, मार्च 2010 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली
उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा यूरेनियम है? यो 233, 34, 35 या 239। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है यू 235। परमाणु जो है ये विद्युत उत्पादन के कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु जो विद्युत बोर्ड के स्थान पर वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और यह निगम देश के सभी परमाणु विद्युत संस्थानों के प्रारूप निर्माण कार्य और उत्पादन के प्रति उत्तरदायी है। तो यह जो यूरेनियम स्थानिक जो है यू 235, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि जमा का अर्थ गुणा, तो आसानी के लिए आपने इस प्रकार से लिख लेना है, जैसे जमा का अर्थ क्या है? गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है? जमा है। और गुणा का क्या है? भाग है। और जो भाग है इसका अर्थ क्या है? माइनस। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो आया है, ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर आपने ये वाले रख लेने हैं, तो और बोर्ड मास वाला आपने इसमें जो नियम है वो लगाना है। तो जब हम बोर्ड मास वाला इसमें नियम लगाएंगे तो उससे जो ऑप्शन डी वाला 8 जाए निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्यजीव संरक्षण, अधिक वर्षा या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। तो वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए। उसके बाद आ जाता है, डेंगू किससे फैलता है? घोड़े, मच्छर, फल मक्खी, तितली। तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर जो है इससे फैलता है डेंगू। नेक्स्ट है, सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया, ये इनका संबंध बताना है कौन से खेल से है? जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो या हॉकी से? तो सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय होती है। तो ए बी कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पर हमारा सेंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है 60 किलोमीटर की चाल का जो सूत्र है, फार्मूला क्या होता है? चाल दूरी बटे समय। तो ये आपने यहाँ पर इसमें लगाना है। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिर्फ एक को छोड़कर, सिरसा, हिसार, भिवानी या रोहतक। तो NH10 ये इनमें से सभी से निकलता है सिर्फ एक को छोड़कर, जो ऑप्शन बी में आया है भिवानी। और कितनी लंबाई कितनी है इसकी? 403 किलोमीटर की। और हरियाणा का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट आ जाता है, काली मौत किसे कहा गया है? कैंसर, एड्स, प्लेग या गनोरिया को? और इनमें जो यहाँ पर आएगा जो हमारा है ऑप्शन बी वाला, तो ये है प्लेग। विश्व की सबसे प्राचीन महामारी जो है प्लेग को ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट इन नामों से जाना जाता है। और इस रोग का जो कारण है, कारक पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है, तो जीवाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? कैफीन, निकोटीन, थीन या प्यूरिन? तो कॉफी जो होता है इसमें ये कैफीन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई, तो कितने हैं? पांच हैं, पांच लड़के एक वृत्त में बैठे हैं, जैसे ये वृत्त है तो इसमें जाए बैठे हुए हैं।
सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए डी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बी ये जो पांच लड़के हैं तो इसमें सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जब हम इसको जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? तो यहाँ पर आएगा बी डी ए ई और सी, तो इस प्रकार का जो डायग्राम है वो आपको बनेगा। तो बी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बी और ई के बीच में कौन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है ए डी और ई के बीच में बैठा है, तो बी और ए के बीच में कौन है? तो कौन आएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन सी में है। तो बी और ए के बीच में कौन है? डी है। ऐसे ठीक है, सी जो है इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो जैसे सी है, सी के ठीक बाईं ओर, अब जैसे यहाँ पर इस साइड में मुकर के बैठा है तो इसका कौन सा होगा, राइट हैंड होगा, ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और इसके दाईं साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी, और ये कौन सी होगी, खब्बी साइड, जिसे बाईं साइड कह देते हैं। तो इसके जो यहाँ पर क्या है, बाईं साइड में पूछा गया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन है, तो यहाँ पर ये कौन है, इसमें बी है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, एक कुरुक्षेत्र, कर्णाली, नगर या पानीपत में, तो कहाँ पर है, जो ऑप्शन ए वाला है, कुरुक्षेत्र में जो भोर सैदान जो है वहाँ पर है ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है दो आसमान, दो आसमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ब्रिज, गेटवे, राउटर या इन सभी का? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये एक गेटवे होता है, गेटवे कैसे नेटवर्क डिवाइस है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न चिन्ह जो है इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा यहाँ पर, और इसके स्थान पर क्या आएगा, जो ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 700 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद, पैरास्टामोल, इंसुलिन, एस्पिरिन या इनमें से कोई सभी नहीं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद, और ये जो है ऑप्शन सी वाला, तो कौन सा है, इंसुलिन है, और ये जो है मधुमेह रोग में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में उपयोगी है। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही है, मिथातल भिवानी में है, राखीगढ़ी फतेहाबाद में, बनावली यमुनानगर या सीसवाल कुरुक्षेत्र? तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही है? अब यहाँ पर इनमें से एक सही है, जो ऑप्शन ए में है, मिथातल क्या है, ये भिवानी में है जहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण वो मिले थे, और यहाँ से सिक्के, खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ और घरों के जो अवशेष ही मिले थे, जो लगभग जो है 5,000 साल पुरानी है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में जो है समाप्त कर सकेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो कितना है, ये 6 दिन है, तो इसमें कैसे होगा, जैसे ए एक कार्य करता है कितने, 9 दिन में, तो क्या हो जाएगा, 1/9। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम, फिर क्या क्या होगा, 1/9 × 100 प्लस में 50, 50% है 50/100, और जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/6, तो बी क्या 6 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्ट पेपर मिल, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, और हरियाणा में कहाँ पर है?
करनाल, अम्बाला, यमुनानगर या सोनीपत में? कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है, पेपर सिटी जो इसको कहा गया है यमुनानगर को। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 70, 90 या फिर 2000 में? और ये हुई थी वर्ष 1970 में। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कहाँ पर है? ये हिसार में है। उसके बाद आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक आदर्श अदिश राशि नहीं है? समय, आयतन, संवेग या फिर घनत्व? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, संवेग, तो इसी को क्या है यहाँ पर नहीं माना गया है। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। समय, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, कार्य, विद द्वारा, तो इसमें आती है। और संवेग क्या है? ये कि सदिश राशि है। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र HBRC जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है? ये मानेसर, पानीपत, सोनीपत या फरीदाबाद में? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मानेसर में है। और मानेसर कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में है, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर कुछ आकृति है जिनमें बैंगन, मांस, सब्जियों के बीच संबंध आपने दिखाना है। बैंगन, मांस और सब्जियाँ। अब यहाँ पर देखें तो इसमें बैंगन और सब्जी ये दोनों एक है, मांस अलग होता है। तो इनका जो डायग्राम जो बनेगा, कौन से वाला बनेगा इनमें? तो यहाँ पर जो बनेगा, जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि मांस ये अलग होता है, बैंगन और ये सब्जियों में आते हैं। तो ये शाकाहारी सब्जी में है और ये मांस मांसाहारी के अंतर्गत आता है, तो ये अलग है, क्योंकि सब्जियों में जाए बैंगन आ जाता है और मांस अलग है ना। तो ये बिल्कुल अलग है तीनों, और ना ही एक के अंदर आते हैं दोनों, तो ये दो एक हैं और मांस अलग होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य संगम का जो प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ था? पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी या करनाल में? तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन ए में रहेगा, तो ये हुआ था पंचकुला में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नदियाँ और उन शहरों का मेल मिलाएं जिनसे होकर वे बहती हैं, रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट या वाशिंगटन? और इनका जो मिलान है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर रहेगा, 3, 4, 1 और 2। तो पेरिस, पेरिस में कौन सी नदी बहती है? पेरिस में है सीन। और जो यहाँ पर वाशिंगटन है, वाशिंगटन में कौन सी है? तो यहाँ पर है पोटोमैक, वाशिंगटन में पोटोमैक। और रोटरडम में है राइन। और जो ये बच गया एक, बुडापेस्ट, इसमें जाइए हो जाती है डेन्यू। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उसमें के अंतरण को अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण? और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा अभिवहन।
तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की जिसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।